गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपका इको का पेपर है तो मेरे दिमाग में आया इको के पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। ये थोड़ा सा अलग इस ये एग्जामिनेशन इस साल हो रहा है क्योंकि आप एमसीक्यू बार रहे हैं और आप सहमत होंगे कि बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया है, उम्मीद करेंगे आप उसको फॉलो करेंगे और निश्चित आप फायदे में रहेंगे। स्टेप वन, आप पूरे 100 क्वेश्चन को थोरोली पढ़ें, एकदम पूरे समय से। टिक मारने में समय नहीं लगता है ना। तो पहला स्टेप, खूब मन से पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। अब आइए उसमें से स्टेप 2, दूसरा स्टेप, 50 क्वेश्चन ऐसे छाटे जिसके संबंध में आपको जानकारी है। 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 50 क्वेश्चन, क्योंकि आप 2 सेट रेडी करके जा रहे हैं, सेट 1 और सेट 2। 50 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसके संबंध में आपको निश्चित जानकारी है। वो क्वेश्चन मन ही मन रखे, करेक्ट, हड़बड़ा के आंसर देना चालू कीजिए नहीं। दिस इज द रॉन्ग स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द एमसीक्यू, ये सही रणनीति नहीं है एमसीक्यू का। स्टेप 3, इसमें से जो 50 आपने छाटा होगा देखेंगे, उसमें से 40 ऐसे मिलेंगे जिसके 30 या 40 आपको लगभग ऐसे मिलेंगे जिसके संबंध में आप श्योर शॉट है, उस पर पहले टिक मारिए। जो 30, 25, 35 ऐसे क्वेश्चन जो एकदम श्योर शॉट है उस पर टिक मारिए। अब रह गया सवाल 15 या 20 क्वेश्चन का जिसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। आप क्या कीजिए, वापस पूरे क्वेश्चन को फिर पढ़े, क्योंकि आपके पास समय है रे भाई, ठीक, हड़बड़ा के एग्जामिनेशन हॉल से निकलने से क्या फायदा। फिर क्वेश्चन को पढ़िए, अब आपको लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें आप श्योर शॉट होंगे, तो उस 10 को फिर रखिए। इसका मतलब है 5 क्वेश्चन ऐसे अभी भी है जिसके संबंध में आप श्योर नहीं है, उस 5 के संबंध में आप टाइम लीजिए, रिकॉल कीजिए कि क्या आपने मेरे साथ क्लास में डिस्कस किया था। तो उस 5 के लिए 15 मिनट 20 मिनट जो टाइम आपका होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका पेपर ऐसे बेहतर जाएगा। आप इस